और चलिए इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस ने अपने 4 प्रत्याशियों को बदला है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह वापस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। पिपरिया से गुरुचरण की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह वापस विधायक मुरली मोरवाल पर भरोसा जताया है। जावरा में हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सोलंकी को जो है वो फिर से टिकट मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भोपाल से कांग्रेस ने अपने 4 प्रत्याशियों को बदल दिया है। सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह अब आपको बता दें कि अजब सिंह कुशवाहा होंगे, पिपरिया से वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर से मुरली मोरवाल को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 4 प्रत्याशियों को बदला है कांग्रेस ने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, 4 से 5 सीटों पर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस प्रत्याशियों को बदल सकती है, 4 पर तो ऐलान हुआ, लेकिन अभी भी एक आमला सीट ऐसी है जिस पर पेंच फंसा हुआ है। हालांकि प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, लेकिन जैसे ही निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हुआ, अटकलें फिर से तेज हो गई। बिल्कुल स्पष्ट तौर से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में देखा जा रहा था कि दूसरी सूची आने के बाद में लगातार मध्य प्रदेश की कई विधानसभाओं से विरोध निकलकर सामने आ रहा था, और विरोध के बाद में कांग्रेस पार्टी की कुछ ऐसी सीटें थी जिस पर पेच फंसा हुआ था। वहां के काफी समर्थकों के द्वारा यहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय तक कार्यकर्ता यहां पर पहुंच चुके थे, और जहां तक कि कमलनाथ के बंगले पर आत्मदाह की कोशिश से लेकर तमाम कवायदें यहां पर समर्थकों के द्वारा की जा रही थी, तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे प्रत्याशियों को लेकर। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मंथन किया और दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला के सहित तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इनका मंथन हुआ। मंथन होने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों पर तो प्रत्याशियों को बदल दिया है। हालांकि अभी आमला सीट, सुजालपुर सीट, इन पर अभी अभी भी कांग्रेस पार्टी में मंथन जारी है, क्योंकि इसमें सुजालपुर से भी कई हजारों की तादाद में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे कांग्रेस जो है वहां के प्रत्याशी के विरोध में। आमला सीट की अगर बात करें तो आमला सीट से निशा बांगरे के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से निशा बांगरे विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। अगर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था तब तक कांग्रेस पार्टी ने फिर प्रत्याशी को यहां पर घोषित कर दिया, मगर अब जिस तरीके से कल में निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, उसके बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि निशा बांगरे को आमला सीट से कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। बहरहाल अगर देखा जाए अभी तो 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों को बदला है, जिसमें सुमावली सीट से अजब सिंह कुशवाहा को दिया गया है, जो कि जिनके कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा था वहां के प्रत्याशी को उतारने के उसमें, और उसके बाद पिपरिया सीट भी कांग्रेस पार्टी ने बदला, इसी के साथ में 2 अन्य सीटों पर भी बदलाव किए हैं। बिल्कुल दुर्गेश, और एक लंबा वक्त कांग्रेस ने लिया है, काफी मंथन किया है हमने देखा, क्योंकि सूची का इंतजार लगातार हो रहा है। बीजेपी ने जहां पहली सूची अगस्त में जारी कर दी थी, और ऐसे में अभी तक 7 प्रत्याशियों का जो है वो बदलाव हुआ है। अब क्योंकि प्रत्याशियों का जो लगातार जो है विरोध हो रहा था, इसके बाद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें अभी भी बड़ी हुई हैं, क्योंकि अब जिन्हें बदला गया है उनके समर्थक आगे आएंगे, कैसे पूरे इस डैमेज कंट्रोल को एंड चुनाव के ठीक पहले काबू करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी? बिल्कुल स्पष्ट तौर से अगर हम डैमेज कंट्रोल की बात करें तो डैमेज कंट्रोल के लिए जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला तमाम नेता शामिल है। रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह पर्दे के अंदर से कांग्रेस पार्टी में इंटरनल तरीके से डैमेज कंट्रोल की कवायतें और जद्दोजहद कर रहे हैं। जहां तक की अगर बात करें तो अगर जरूरत पड़ रही है तो कमलनाथ भी जो वहां के समर्थक है, जिस विधानसभा सीट से ज्यादा विरोध निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां के समर्थकों से कमलनाथ खुद 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, खुद चर्चा कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ में अगर बात करें जिस तरीके से जिन सीटों पर बदलाव किए गए हैं, उन सीटों पर कहीं ना कहीं जिन प्रत्याशियों को पहले टिकट दिया गया था उनसे बातचीत कर और उनको कहीं ना कहीं किसी प्रकार का आश्वासन दे। दुर्गेश, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशियों का विरोध या कांग्रेस को हार का डर भी सता रहा था? बिल्कुल स्पष्ट तौर से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 2023 विधानसभा चुनाव काफी रोमांचक चुनाव होने वाला है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा हुआ है, और जिस तरीके से
दिग्गजों को मैदान में उतारने के बाद में कांग्रेस पार्टी में जरूर ये बात कह सकते हैं कि डार्क हार का डर जरूर कांग्रेस पार्टी को सता रहा था, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को भी रणनीति बनानी थी। और जिसके तहत में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों का चयन काफी सर्वे के बाद में किया था, जहां तक की कांग्रेस पार्टी के जो आला नेताओं का दावा था कि करीब 4000 प्रत्याशियों के सर्वे के बाद में जब 4000 प्रत्याशियों पर हमने सिलेक्शन किया, तब कहीं 230 विधानसभा सीटों के लिए हमने प्रत्याशी चयन किया है, जिसमें कई प्रकार से किसी भी प्रकार से किसी का सोर्स या किसी की गुटबाजी या किसी के सपोर्ट की वजह से प्रत्याशियों का चयन नहीं किया गया, उनकी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्याशियों का चयन किया गया है। बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन ये दबाव कांग्रेस पर लगातार दर्शा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से पहले मंथन हुआ, उसके बाद प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद विरोध हुआ, उसके बाद फिर से प्रत्याशी बदले गए, तो कांग्रेस इस समय दबाव महसूस कर रही है। हालांकि देखना होगा कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण यह चुनाव है। देखना होगा, फिलहाल 2 और सीटें बची हैं, क्या उन पर प्रत्याशी बदले जाएंगे या वो यथावत रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।